वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है, द रेडियस ऑफ बैलून, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बस इन वर्डों का पता हो मैं, ठीक है, कि उसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले बैलून, अब बैलून की तो कोई शेप होगी, उसका पता होना चाहिए। बैलून स्फीयर होता है, सही बात है ना। बस ये बस इनके लिए बेसिक कंसेप्ट याद होने चाहिए, मतलब इनकी कंडीशन। अब बैलून का मतलब क्या है कि स्फीयर टाइप है, ठीक है, इज इंक्रीजिंग। अब बात और ये इंक्रीजिंग की, मतलब प्लस का साइन रहेगा इस वजह से, ठीक है। तो रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजिंग हो रहा है एट दी, ये रहा रेट, इतना रेट है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस यहाँ पर जितने वर्ड हैं उनको पढ़ना ना चाहिए। अब 10 सेंटीमीटर की बात हुई, ठीक है, लेकिन किसकी हुई, रेट की। लेकिन एक बात हमें पता है कि जब रेट की बात हो तो सीधी सी बात है दो क्वांटिटी की बात हो जाएगी अपने आप, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। जैसे हम रेट ऑफ चेंज नॉर्मली डी वाई बाई डी एक्स लिखे, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब यहाँ पर दो क्वांटिटी हैं, वो एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट है, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो दो क्वांटिटी, सही बात है ना। तो ये बात याद रखनी है, रेट का मतलब दो क्वांटिटी की बात हो रही है। पहली तो यहाँ पर दिख रही है कि रेडियस है, रेडियस की 10 सेंटीमीटर है, सही बात है, लेकिन दूसरी क्वांटिटी कौन सी है, ये रही, पर का मतलब डिवाइड, जैसे इसका ये पर का ये मतलब है, सही बात है। और वर्ड है सेकंड, ठीक है ना, सेकंड का मतलब टाइम की बात आ गई, सही बात है ना। बस ये वर्ड क्लियर होने चाहिए कि जब रेट की बात आई तो दो क्वांटिटी होंगी, ठीक है। अब इस तरीके से एक तो रेडियस है, लेकिन अब टाइम थोड़ी ना कहीं पर गिवन है, लेकिन ये सेकंड का क्या मतलब है इस वजह से, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन बस, और वो न्यूमेरिकल्स के लिए वो तीन पॉइंट याद रखने, जो पहले कंडीशन लिखी हो वो पहले यूज होगी। अब रेडियस ऑफ बैलून आर मान लो, ठीक है ना, ये मान के चलेंगे कि आर रेडियस ऑफ बैलून है इस तरीके से, ठीक है, या फिर बैलून को या फिर स्फीयर भी कह सकते हो इस वजह से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन क्या है, डी आर तो है, मतलब रेट तो है, रेट का मतलब डिफरेंशिएशन तो गिवन है डी आर, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टी क्या है, टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से है 10, जो इसकी यूनिट है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस तरीके से, सही बात है। लेकिन यहाँ पर इंक्रीजिंग की बात हो रही है तो प्लस का साइन है ये रेट, सही बात है, प्लस का इसलिए है इस वजह से, तो ये प्लस साइन भी शो कर सकते हैं इस तरीके से। अब अगली कंडीशन पढ़ लो, एट व्हाट रेट, ठीक है ना, रेट निकालना हमने, रेट का मतलब दो क्वांटिटी की बात होगी, या फिर कहो कि किसी रेशियो की बात होगी, सही बात है, ठीक है। इज सरफेस एरिया ऑफ बैलून, ठीक है, अब इस सरफेस, अब जैसे स्फीयर में सीधी सी बात है दो बातें मिलेंगी, ठीक है, या तो वॉल्यूम की बात होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4/3 πr³, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, जहाँ पर r क्या होगा, r रेडियस होगा, ठीक है, इस तरीके से। और एक बात होगी सरफेस एरिया की, ठीक है ना, सरफेस एरिया, बस सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 4πr², ठीक है। इस तरीके से भी कह सकते हो, मतलब कोई एरिया है, एरिया में कहने का मतलब क्या है कि अगर नॉर्मली समझना हो, जैसे कोई लेंथ है, ठीक है ना, कोई लेंथ जैसे कह लो, चलो आर ही मान लो, रेडियस भी तो एक लेंथ है, सही बात है। एरिया क्या होता है, एरिया नॉर्मली बात कर रहे हैं, मतलब कि लेंथ इंटू लेंथ की बात हो जाएगी, सही बात है, मतलब आर इंटू आर, आर स्क्वेयर मिला, वहाँ पर साइड फैक्टर कुछ भी मिल सकते हैं इंटू में, ये बात नहीं कर रहे हम, मतलब यहाँ पर फैक्टर कुछ भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे हैं, मतलब कोई लेंथ आ रहा है तो एरिया कैसे होगा, लेंथ इंटू लेंथ। और वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी लेंथ हो उसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इंटू लेंथ, इस वजह से, ठीक है ना। जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ भी एक लेंथ, ब्रेड्थ पे जो कोई लेंथ होती है, या फिर कहो कि कोई लेंथ से कन्फ्यूज हो रही है, डिस्टेंस समझ लो, इस वजह से है तो 3 डिस्टेंस ही, इस वजह से, ठीक है। तो इसलिए सीधी सी बात है, जब वॉल्यूम की बात हो तो क्यूब नज़र आएगा, ठीक है, इस तरीके से कह रहे हैं, ठीक है, सरफेस एरिया में इस तरीके से πr², इस वजह से, सही बात है, ठीक है, याद रखने के लिए। तो सरफेस एरिया स्फीयर का πr² 4πr² रहेगा, इस तरीके से, ठीक है, ये हुई इसकी बात। अब यहाँ पर एट व्हाट रेट इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात हो रही है तो एस मान लो, ठीक है ना, एस क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पर जो ये वर्ड है कुछ भी मान सकते हो, ये हम मान रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एस पहले लिखा इसलिए एस मान लिया। ओ बैलून इंक्रीजिंग,
ठीक है ना, व्हेन इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, कहने का मतलब क्या है, रेट निकालना है ठीक है सरफेस एरिया का, तो मतलब डीएस निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ये भी तो बात काम की है। अब रेट तो निकलेगा, रेट निकलेगा मतलब दो क्वांटिटी की बात होगी, एक तो सरफेस एरिया, अब दूसरी क्वांटिटी कौन सी है, अब बैलून इंक्रीजिंग, अब बैलून इंक्रीजिंग किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में निकलेगा, सीधी सी बात है। सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला हमें पता, 4πr², बस यहाँ पर एस गिवन है, डी एस बाई डी टी निकाल दो, तो मतलब इस एस को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका ये मतलब है, बस यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए ठीक है ना, इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो ठीक है। अभी यहाँ पर एक काम की बात है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में कौन सी, अब जैसे हम कह रहे थे कि डिफरेंशिएशन करना है जिसके रिस्पेक्ट में करना हो टी के, अगर फंक्शन में कहीं पर भी वो नज़र ही ना आए, सही बात है, कहीं पर नज़र ना आए तो मतलब उसका जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर ये बात अप्लाई नहीं होगी, क्यों, अब जैसे एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए वाई इज इक्वल टू ये फंक्शन लिखाओ, मतलब टू टू लिखाओ सिर्फ ठीक है, और हमने करना डी वाई बाई डी एक्स, किसके बराबर होगा, जीरो के होगा, सही बात है ना, जीरो के होता है, मतलब इसमें एक्स कहीं पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कमी है, उस कमी का नाम है, इस टू को कहते हैं कॉन्स्टेंट ठीक है ना, ये है वो कमी, अगर पता हो तो, कॉन्स्टेंट सही बात है। लेकिन एक डिफरेंशिएशन दो तरीके के होते हैं, एक तो कॉन्स्टेंट की बात होती है, एक वेरिएबलों की भी बात होती है, सही बात है ना, वेरिएबलों की, लेकिन फिर जब वेरिएबल की बात करो फिर नहीं है कॉन्स्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई होता ठीक है ना, यहाँ पर ये मत कह देना कि डी एस बाई डी टी निकालना, इस पूरे फंक्शन में टी कहीं पर भी नहीं है तो जीरो हुआ, गलत होगा ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर क्या है, आर वेरिएबल का काम करेगा, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज करे, ये रही टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज तो रही है, एक सेकेंड में इतना है वो कितनी टाइम की बात हो रही है, तो चेंज तो हुई ना, ये भी तो चेंज ही बताता है ना, इस वजह से रेट ऑफ चेंज, इस वजह से ठीक है, तो मतलब वेरिएबल की बात होगी तो सीधी सी बात है, जब कांस्टेंट की वैल्यू तब ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वेरिएबल में नहीं होती ये बात अप्लाई ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 4π तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नहीं होगा यहाँ पर डिफरेंसेस, इन टू में आर स्क्वेयर का होगा ठीक है ना, आर स्क्वेयर का किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, आर स्क्वेयर का पावर आगे पावर में से एक कम, सही बात, इन टू में एक बात लिखी थी हमने, अब वो बात काम आएगी कि डिफरेंशिएशन सबसे पहले पावर का करो, सही बात है, फिर बेस का करो, फिर एंगल का करो, और ये इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है ठीक है ना, डिफरेंशिएशन की पावर का किया इस तरीके से, पावर तो ये होती है पावर आगे पावर में से कम, इन टू में बेस का भी तो होगा, बेस क्या है, बेस है आर, अब आर का डिफरेंशिएशन करना किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में करना, तो आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ये कहाँ से आए, बस ये पता होना चाहिए, क्योंकि आर यहाँ पर वेरिएबल का काम कर रहा है ना कि कॉन्स्टेंट का, इस वजह से ठीक है ना, तो इसलिए ये बात समझ में आएगी कि डिफरेंशिएशन पहले पावर का फिर बेस का भी होता है, तो बेस का जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी के में ठीक है, अगर यहाँ पर वाई होता तो, अगर यहाँ पर वाई होता तो वाई आ जाता, इस तरीके से ठीक है ना, इस तरीके से बस ये पता होना चाहिए हमें, इस बस इसके बाद कैलकुलेशन है ठीक है, ये तो ही रेट ऑफ चेंज, रेट की बात हुई, मतलब डी एस बाई डी टी निकालना है, मतलब यही है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन भी गिवन है, किस तरीके से, 4π इंटू में ठीक है 2 है इंटू में आर, आर गिवन है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट कर दो बस इस तरीके से, मतलब ये कंडीशन गिवन हो तो वैल्यू पुट कर दो, इंटू में डी आर बाई डी टी भी गिवन था, कितना था 10, बस ये अब कैलकुलेशन करो इस तरीके से ठीक है ना, तो बस यहाँ पर कैलकुलेशन है ठीक है, तो यहाँ पर 4 × 15 = 60 × 2 = 120 और एक जीरो और, सिर्फ कैलकुलेशन साथ में पाई ठीक है, लेकिन एस क्या था, सरफेस एरिया, एरिया मतलब कोई भी लेंथ हो उसका स्क्वेयर होगा, मतलब कोई यूनिट है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वेयर हो जाएगा ठीक है, पर सेकंड, क्योंकि टाइम की बात हो रही है, बस ये आंसर है, डी एस बाई डी टी इतना है, कब, जब इसका रेडियस इतना चेंज हो रहा हो ठीक है, और साथ में रेडियस की वैल्यू ये गिवन हो, इस तरीके से, बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले क्या गिवन है उसको पढ़ो ठीक है, मतलब कि जब रेट की बात आएगी तो सीधी सी बात है दो क्वांटिटी की बात अपने आप हो जाएगी ठीक है, मतलब डी आर बाई डी टी क्यों लिखा, वैसे तो सिर्फ रेट 10 सेंटीमीटर भी गिवन हो सकता है, लेकिन पर सेकंड का मतलब क्या है, क्योंकि रेट में तो दो क्वांटिटी हमेशा चाहिए, इस वजह से
ठीक है ना, इस तरीके से बस इसका ये मीनिंग था। इंक्रीज कर रहा था प्लस का साइन, डिक्रीजिंग होता तो ये इस प्लस की जगह माइनस का साइन अप्लाई कर देते। फिर सरफेस एरिया की बात की उसने, तो सरफेस एरिया सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैलून की बात हो रही है वो स्फीयर होता है, तो ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए उसके लिए तो, ठीक है ना। इस तरीके से बस फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर रेट निकालना है, फिर से डिफरेंशिएशन निकालना है। रेट का मतलब सीधी सी बात है डिफरेंशिएशन, या फिर कहो कि दो क्वांटिटी इस तरीके से, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम की बात हो रही थी टाइम की, क्योंकि उसका रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इस वजह से बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।